Hello students, how are you? So students, you know that your chapter number first is running over mathematics, okay? And here is exercise number first, okay? So students, before starting exercise firstly, I want to teach you an important topic, and that is absolute value of an integer, okay? So bachcho, exercise start karne se pehle hum is important cheez ko dekhte hain. Ye kya hai? Absolute value of an integer. Absolute. तो क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, होती क्या है, तो आप ये समझ लीजिए, ओके? तो बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू को हम या तो हम ऐसे लिख दें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, या फिर इस तरह से दो बड़ खड़ी लाइन वर्टिकल लाइंस बना करके और इसमें हम लिख दें ऐसे. तो इसका भी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, या फिर हम लिख दें इसका भी मतलब सेम है, ओके? यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह से करके दिखाते हैं, ओके? ठीक है, चलो अब मैं इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है बेटा, अगर कोई नंबर हमारे पास माइनस का दे रखा है या प्लस का दे रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये माइनस का 5 दे रखा है, ये प्लस का 5 दे रखा है, लेकिन अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो क्या होगी, बिना साइन के, यानी कि ना तो माइनस का साइन लगाएंगे उसमें ना प्लस का साइन लगाएंगे. कहने का मतलब ये है कि बिना साइन के, बिना किसी साइन के उस संख्या जो हमारी होती है, जैसे 5 है, इसमें से अगर माइनस को हम हटा दें, अब लगने को तो इसमें भी प्लस लगा हुआ है ना, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे. तो अगर हम इसमें से जो माइनस प्लस के जो साइन आ रहे हैं इनको हटा दें, तो उसके बाद जो हमारी संख्या बचती है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी बिना साइन की वैल्यू, बिना साइन की वैल्यू. यानी अगर हम इसको लिखूँ मैं ऐसे करके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिना साइन, साइन मतलब वो वाला साइन नहीं जो टीचर करता है, साइन मतलब ये प्लस माइनस, बिना साइन की वैल्यू, ठीक है, बिना साइन के जो वैल्यू बचेगी. अब मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, और दूसरा इसकी भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है. तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों, जब भी ये, इसको मोड कहते हैं, ये जो गेट आप देख रहा है ना, ये इसको मोड कहते हैं. क्या कहते हैं, मोड, ठीक है. और अगर ऐसे नहीं तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, तो दोनों का मतलब एक ही है. अगर कहीं लिखा आ जाए तो करना दोनों में एक ही चीज़ है. तो इसका आंसर आएगा बच्चों ओनली 5. क्या आएगा इसका आंसर, ओनली 5 आएगा, ठीक है. यानी ये साइन जो है हट जाएगा, ठीक है, ये जो माइनस इसमें लगा हुआ है वो हट जाएगा, ठीक है. यानी कि हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5. जैसे ऐसे दे रखा है तो ऐसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर मान लो इस तरह से दे रखा है कहीं आपको, तो आप क्या लिखोगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू, क्या आएगा, ओनली 5. मतलब वो साइन जो उसमें लग रहा है वो हट जाएगा, ठीक है. अच्छा इसको देखो, इसमें क्या आएगा बेटा आंसर, इसमें, इसमें 5 आएगा. मतलब इसमें अगर माइनस अंदर लग रहा है तो माइनस हट जाएगा, और नहीं लग रहा है तो भी, तो फिर तो बात ही नहीं है. कुल मिला के बात यह है कि इस गेट से बाहर जब संख्या निकलेगी तो वो बिना साइन की ही हो जाएगी. इसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, ओके? तो इस तरह से इसको भी हम लिखेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5 क्या आएगा, ओनली 5. यस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5 इज इक्वल टू क्या आएगा, ओनली 5. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके? सो बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली क्या है, कि जब भी हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर आता है, ठीक है, वो क्या होगा, ये जो नंबर है आप देख रहे हो, इस माइनस 5 से बड़ा है ना, 5 है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन था -5
ठीक है, इसकी जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो 5i। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा हमेशा ठीक है या तो इस संख्या से बड़ी होगी, जैसे आप देख रहे हो कि 5 जो है उस -5 से बड़ी है, ग्रेटर होगी, या फिर इक्वल होगी। जैसे +5 की वैल्यू जो है वही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर है, इक्वल है। समझ में आ रहा है? यानी हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा जो नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं, इंटीजर्स दे रखे हैं, उनसे या तो इक्वल होगी या फिर बड़ी होगी। आप दोनों में देख रहे हो, यहाँ बड़ी है, ग्रेटर है, और यहाँ इक्वल है। लेकिन कभी भी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू उस नंबर से छोटी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? तो इसके आधार पे एक क्वेश्चन भी आपको दे रखा है जो कि हमें फिल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट में। ओके, क्या लिख रहा है इसको ध्यान से समझो। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, यानी किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम निकालेंगे, इज आइदर इक्वल टू, या तो वो इक्वल होगी, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वल है, और ग्रेटर, या फिर वो बड़ी होगी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू या तो इक्वल होगी या फिर बड़ी होगी, देन द इंटीजर, उस इंटीजर से जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है उससे। ठीक है, बट लेकिन नेवर लेस देन द इंटीजर, लेकिन कभी भी उस इंटीजर से छोटी नहीं हो सकती। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। सो स्टूडेंट्स मैं आपको इसका फोटो खींच के सेंड करूँगा। ओके, तो आप जो है इसको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नोट करोगे। हाँ ओके, ठीक है, मैंने पूरा समझा दिया आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज फर्स्ट। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज फर्स्ट ए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिलअप्स दे रखे हैं, इनको फिल करना है। तो देखो, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, यानी कि नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, माइनस वाली संख्याएं। तो मुझे पता ये सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको नंबर लाइन बनाई थी इस तरह से। ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं, 0 आता है, फिर -1 आता है, फिर -2 आता है, तो इधर क्या होते हैं, नेगेटिव। तो सबसे बड़ा कौन होता है, 0 के जस्ट बाद वाला, यानी -1 सबसे बड़ा होता है। और इधर पीछे की तरफ जाएंगे, -2 -3 इस तरह से, तो वो छोटे नंबर होते चले जाते हैं, ठीक है, माइनस की वजह से। ओके, तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमारा क्या हुआ, -1। अच्छा, 0 इज़ द ग्रेटर देन एवरी, अब 0 जो है सभी इंटीजर्स, कौन से इंटीजर, माइनस वाले यानी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर लाइन देखोगे तो बीच में 0 आता है, इधर सारी माइनस की आती हैं, है ना। तो ये 0 के लेफ्ट में जितनी माइनस की आ रही हैं वो सारी छोटी हो जाएंगी, है ना, मैंने बताया था आपको, राइट पे आने वाली बड़ी होती हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। ओके, यानी 0 है वो सभी माइनस की संख्याओं से, नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। अच्छा, यहाँ देखो बेटा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर, अभी मैंने आपको बताया है ना, इज आइदर इक्वल टू, या तो वो इक्वल होती है, आइदर इक्वल टू और ग्रेटर, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, ग्रेटर देन द इंटीजर। ओके, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है या तो वो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, बट नेवर लेस देन द इंटीजर, अभी मैंने आपको बताया है। ओके चलो बच्चों, ये देखते हैं, द सक्सेसर ऑफ -91, ये मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, सक्सेसर प्रेडिसेसर क्या होते हैं। सक्सेसर यानी आगे वाला, आगे यानी राइट एंड पे आने वाला, जैसे -91 है बेटा, तो इसके राइट एंड पे क्या आएगा बताओ, माइनस का 90 आएगा, राइट, माइनस का 90 आएगा, है ना। क्योंकि मान लो, अगर मान नंबर लाइन हम इस तरह से बनाते हैं, मान लो हम इस तरह से नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, और ये माइनस में -1 -2, इस तरह से -3 -4 -7,
एट माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन माइनस इलेवन माइनस ये ट्वेल्व माइनस ऐसे चलते चले जाएंगे माइनस 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 तो कहाँ पहुँच जाएंगे ये माइनस नाइन्टी कहाँ पहुँच जाएंगे माइनस 91 पे पहुँच जाएंगे। अच्छा तो इधर और जाएंगे तो क्या होगा माइनस 92 होगा है ना, और इधर पीछे की तरफ होंगे तो माइनस 90 होगा, इस तरह से ही तो आएगा अगर इसको हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो। तो आप देखो मैंने आपको बताया था अगर सक्सेसर निकालते हैं तो आगे वाला जो होता है और प्रेडिसेसर निकालते हैं तो पीछे वाला होता है, तो ये प्रेडिसेसर होता है और ये हमारा सक्सेसर होता है, मैंने समझाया था ये चीज़। तो माइनस 91 का सक्सेसर क्या होगा माइनस 90। ओके तो देखो तो ये मैंने बता दिया है। अच्छा प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर और पीछे वाला यानी कि पीछे की तरफ और जाएंगे तो क्या होगा माइनस 380 का क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 381। यस, क्योंकि और पीछे जाना पड़ेगा ना हमें, तो इससे एक संख्या और बढ़ जाएगी। आप यहीं के यहीं सोच के देखो कि मान लो माइनस 380 जो है वो नंबर लाइन पर है, अभी मान लो यहाँ पे हमने नंबर लाइन ऐसे बना दी ये नंबर लाइन पे, अब हम इधर जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 381 आएगा ना, है ना। तो पीछे जाते तो प्रेडिसेसर तभी तो निकलता है, तो इधर कौन सी संख्या आएगी माइनस 381। ओके तो ये आ गया माइनस 381। ओके स्टूडेंट्स आई होप यू आर गेटिंग। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा, ये कह रहा है रिप्लेस द ब्लैंक बाय लेस देन और ग्रेटर देन टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू, तो आपको फिल करना है इसमें से। तो ये वाली जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, समझाया था किस तरह से करते हैं, है ना। अब देखो मैंने बताया था जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो क्या करते हैं, जब दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जो बड़ी होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है और जो छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ी होती है। तो यहाँ पे माइनस एट और माइनस 18 है, तो माइनस 18 आपको बड़ा लग सकता है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, ये छोटा है, उल्टा होता है, तो ये वाला बड़ा है। अच्छा माइनस फोर और ज़ीरो, तो इनमें से अगर हम देखते हैं तो कौन सा बड़ा है, माइनस वाली संख्या छोटी होती है ठीक है, और हमने देखो यहाँ पढ़ा है कि जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजियर, यानी जो जीरो है वो सभी माइनस की संख्याओं से बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे ठीक है। ऐसे इसको देखो आप ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसी तरह से आप इसको दोनों संख्या माइनस की हैं तो जो छोटी है वो बड़ी होगी एक्चुअल में, तो आप ये कर सकते हैं, ये माइनस की ये प्लस की, तो मैंने बताया था प्लस वाली सारी संख्याएं बड़ी होती हैं तो वो आप लगा देंगे यहाँ पे। ओके ठीक है बच्चों, तो ये कर लोगे ना क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा यहाँ क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो बेटा ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना। तो ये वाले जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये मैं बता चुका हूँ आपको, और तो ये आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये सेल्फ ट्राई करने हैं, फेयर में करना है एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस कैसे करने हैं मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। ओके